मित्रों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरे पास हल्दी के कुछ कंद बचे थे जो कि हम किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने कल जानकारी दी थी तो बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में कांटेक्ट किया था। आप देख सकते हैं यह मेरा टेरेस गार्डन है और टेरेस गार्डन पे यह अलग अलग वेराइटी के पेड़ लगे हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी संतरा लग गया है और ये गुरु बैग की आप साइज भी देख सकते हैं। मित्रों, कुछ लोगों ने हल्दी का अचार बनाने के लिए भी मुझे हल्दी के कंद मंगे थे। तो मित्रों, अभी हल्दी का अचार तो इस वक्त नहीं बना सकते क्योंकि अभी वक्त हो गया है, क्योंकि जो भी कंद हमारे पास थे उन सब में अभी स्प्राउटिंग शुरू हुआ है। अभी इस मौसम में हमारे महाराष्ट्र में हल्दी को लगाया जाता है। कुछ भाई साहब ने मुझे पूछा था कि क्या हम हल्दी छत के ऊपर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल छत के ऊपर लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, एकदम सस्ता तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने किराना की दुकान से यह 10-10 रुपए में बोरी मोल लेके आया हूँ और उसमें मिट्टी भर के मैंने ये अंजीर के पेड़ लगाए हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, खाद नहीं डालना है, कोई दवाई नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी भरना है और उसमें एक एक बोरे में दो दो कंद को लगा देना है। और बरसात के मौसम में ऊपर से जो भी पानी गिरता है उसी पानी पर उस कंद की बढ़वार होती है और वही कंद आपको बिना जहर के, बिना कुछ दवाई के घर को हल्दी भी होती है और हल्दी का आप अचार भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छत पर हम कितने अच्छे तरीके से पेड़ों को लगा सकते हैं। आप देखिए, यह जितने भी पेड़ है हमारे छत पर, यह ग्राफ्टिंग के लिए बनाया भी है। देखिए, यह अलग अलग टाइप की यह मौसमी है, आम है, इधर ये बेल पत्र हमारे इधर जो भगवान में चढ़ाया जाता है इसका पेड़ है। देखिए कितनी छोटी सी साइज में इतना अच्छे तरीके से आया है। इधर कुछ अंजीर की वेराइटियाँ है, इधर ये छोटे गमले में बेर है। अभी इस बेर को बेर भी लगे है देख सकते हैं, लेकिन यह बेर काम के नहीं है क्योंकि इसकी मैं 15 दिन के बाद प्रूनिंग करूँगा, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। और देखिए नींबू का कितना छोटा पेड़ है और इसको नींबू इस साल ज़्यादा मात्रा में आए थे लेकिन मैंने तोड़ के फेंक दिए क्योंकि पेड़ बहुत छोटा है। देखिए इसको नींबू लगे है। तो इस तरह हमारे पास अगर जगह नहीं है तो हम हमारे छत के ऊपर भी पेड़ लगा सकते हैं और शुद्ध जैविक सेंद्रिय विषमुक्त सब्जियों का, फलों का आनंद ले सकते हैं। मित्रों देखिए, ये अभी अंजीर पकने की अवस्था में है, एक दो दिन में यह पक जाएगा और कितना बड़ा फल है आप देख सकते हैं। तो मित्रों, हल्दी लगाने का सरल तरीका है कि बस किराना दुकान से बोरिया मोल लाना और उसमें मिट्टी भर के हल्दी के कंदों को लगा देना है। अगर हल्दी के कंद आपको कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।